बजट 2022 आ चुका है और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट इसको बिल्कुल कहा जा सकता है। बूस्टर डोज मिली इकोनॉमी को। चलते हैं सीधे वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग श्री राजीव कुमार जी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस बजट को सर? स्वाति नमस्कार। और मेरी नजर में ये बजट जो है वो एक ऐतिहासिक बजट होगा, क्योंकि इसमें भारत का जो अमृत काल अब अगले 25 साल में आएगा और जिसमें कि नए भारत का निर्माण करना है, जो कि जो हम लोग 100 साल अपनी सालगिरह मनाएंगे, आज़ादी की 100 साल की सालगिरह मनाएंगे, उसकी तैयारी इस बजट से शुरू हुई है। और इसमें जो है वो ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि उस तैयारी में हमें जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य है, नए किस्म का कृषि है, नए किस्म की खेती है जिसमें कि रसायन मुक्त खेती है, उन सब पर हमें काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, उसके लिए बैटरी स्वैपिंग है। इस बजट में उन सभी मुद्दों पर जो है वो कुछ ना कुछ बहुत 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 ज़रूरी कदम उठाए हैं। उस पर उन्होंने जो है वो उसको उन्होंने उस पर ध्यान दिया है और उसको वो लक्ष्य है उनका। और इसमें जो खास बात मुझे वो लगी वो ये कि साफ जाहिर है कि भारत सरकार ये कह रही है कि हम आगे बढ़ेंगे और तेजी से बढ़ेंगे, मगर निजी निवेश के आधार पे बढ़ेंगे। और जो हमारा गवर्नमेंट का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो उसके लिए सहायक होगा और वो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल सर, जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिस तरह से इस बजट को फ्रेम किया है, बिल्कुल आपने सही बताया। क्या सोच है, क्या दिशा है, हमें जाना है अगले 25 वर्ष 100 साल की आजादी की जो हम मनाएंगे। बिल्कुल सर, कुछ बातें जो लोग कह रहे हैं स्पेशली एम्प्लॉयमेंट को लेकर या महंगाई को लेकर या हम कहें कि इनकम टैक्स को लेकर जो कुछ रियायतें उम्मीद की जाती है हर साल बजट में, सर उस पर कुछ खास चर्चा नहीं हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक टैक्स दर को लेकर है तो हमें ये शायद आंकड़ा लोगों को पता नहीं है कि जो हमारा न्यूनतम टैक्स दर है जिसपे जो आमदनी है जिसपे हम लोग प्रत्यक्ष कर लगाते हैं, उसका जो रेशियो है हमारी एवरेज पर कैपिटा इनकम से, वो मेरे ख्याल में सब देशों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। तो उसको और कम करना, वो दर को कम करना या फिर उस लेवल को बढ़ाना उसी की और उसमें कम लोग उसमें आए, ये मेरे ख्याल में ये सोच ठीक सोच नहीं है। क्योंकि अभी भी हमें तो हर साल अपना जो प्रत्यक्ष कर का जो दायरा है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बाकी देशों से मुकाबले में बहुत कम है। और अगर वो कम रहेगा तो फिर हम जितनी सरकार हमारी जितनी भी लोगों की भलाई के लिए, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जो स्कीम चलाना चाहती है वो नहीं चला पाएंगे, एक तो ये चीज़ है। तो इसके दूसरा, जहाँ तक रोजगार का मसला है, उसमें ये कि जो हम लोगों ने जो जिस बजट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है और उस पर जो है वो 7.5 लाख करोड़ रुपए का जो है वो एलोकेशन किया है, जो कि पिछली बार से 35% ज़्यादा है, उससे रोजगार बहुत हद तक और बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में रोजगार जनरेट होता है, फिर उससे जो सहूलियतें मिलती हैं उससे भी होता है, फिर और कंपनी जो मिलता है, तो रोजगार का मसला भी मेरे ख्याल में और जरूर हल होगा। एक आखिरी चीज इसमें बात यह है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसमें कि मतलब हमारे होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबा हैं, जिस पर कि हमारी पैंडेमिक का काफी बुरा असर पड़ा था, उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लिंक्ड इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम का जो है वो अनुदान किया गया है कि वो सिर्फ उसी सेक्टर के लिए है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेक्टर में जो ये क्रेडिट मिलेगा, जो कि कम दामों पे मिलेगा, उससे जो है वो इस सेक्टर को बहुत सहायता मिलेगी और फिर इसमें जो रोजगार है वो फिर से जल्दी से बढ़ पाएगा। ये तरीके हैं जिससे रोजगार बढ़ेगा, इनडायरेक्टली जो स्टेप्स होंगे उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और वही लोगों को समझना होगा और देखना होगा।